भगवान बिरसा मुंडा जान के प्रत्येक बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए सम्मानित मंच पांडाल में विराजमान समस्त समाज के क्रांतिकारी साथियों, आज हम आर पार रैली निकालने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी समस्या क्या है आप सब जानते हो साथियों, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। जब तक हम लोग समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे और उस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, जब हम एक नहीं होंगे तब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम यहाँ मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, फिर बात कुछ नहीं होती है। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया और वोट का अधिकार माननीय काशीराम जी कहा करते थे शासक बनने की ताकत है, और उस शासक बनने की ताकत को हमने आज तक नहीं पहचाना। आने वाला 2023 में विधानसभा के चुनाव है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी लड़े इनको कहे कि जो आदिवासी समाज के आरक्षण की बात करेगा वो इस क्षेत्र में राज करेगा, ऐसी हमारी मन की भावना होनी चाहिए, वरना हम फालतू हम के इकट्ठे होंगे, रेडिया निकालेंगे, बिखर जाएंगे और अपने अपनी पार्टियों की जंगले तोकते घूमते रहेंगे। साथियों, तो हमें अधिकार हासिल नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक हो जाइए, हमारे समाज की बात करिए, पार्टियाँ बात की बात है, आप इस पार्टी को भूल जाइए, यहाँ बैठे हम समाज के लिए बैठे हैं, मन को शुद्ध करिए और हमारा समाज के जो अधिकार है इसको हासिल करें, ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।